देखिए, जयपुर 5 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को हिरासत पर लेने का मामला, फिर उठी परीक्षा को रद्द करने की मांग। कल एसओजी ने 5 टेनिस सब इंस्पेक्टर्स को आरपीए से लिया था हिरासत में। और देखिए, अब इसके बाद सोशल मीडिया पर तेज हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग। पूर्व आरपीएससी सदस्य के बेटा और बेटी का नाम सामने आने के बाद गरमाया मामला। अब पूर्व आरपीएससी सदस्य के खिलाफ शाम को सोशल मीडिया पर चलेगा ट्रेंड। युवा शक्ति एकत्रित महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा के पूर्व आरपीएससी सदस्य को गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी। और देखिए, एक साथ एकत्रित होकर इस प्रदर्शन को किया जाएगा। तेज हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग, 5 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हिरासत में, और युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष में अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। और पूर्व आरपीएससी सदस्य को यहां पर उस पर कार्रवाई करने की मांग तेज हुई। और लगातार 5 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर के मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज थी, फिर उठी परीक्षा को रद्द करने की मांग। और कल एसओजी ने 5 टेनिस सब इंस्पेक्टर्स को आरपीए से लिया था हिरासत में। और देखिए, अब इसके बाद सोशल मीडिया पर तेज हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग। और पूर्व आरपीएस सदस्य के बेटा और बेटी का नाम जो है वो इस मामले में जब से सामने आया है तब से चर्चाएं तेज हुई है, तब से ये मामला गर्मा गया है। और अब पूर्व आरपीएससी सदस्य के खिलाफ शाम को सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जाएगा, ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जाएगा, जिसमें लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। देखिए, पूर्व आरपीएससी सदस्य को गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है, और तेज हुई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग। ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया और फिर उठी परीक्षा को मांग रद्द करने की ये जो मांग उठ रही है, इसको लेकर युवा शक्ति अब आगे क्या प्रदर्शन करने वाली है, क्या उनकी मांगे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें गुनील, लगातार क्योंकि जब भजनलाल सरकार का गठन हुआ उसके बाद से, क्योंकि ऐसी भर्ती 2021 ऐसी भर्ती है जिसमें फर्जीवाड़े के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इस मुद्दे को लगातार उठाती रही, और अब उनकी सरकार बन गई है और इसको लेकर जो एसआईटी का गठन किया गया था और एसओजी जो इस पूरे मामले पर कार्यवाही कर रही है, इसको लेकर कल जो ताजा अपडेट सामने आया, आरपीए में जो है 5 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनको हिरासत में लिया गया। क्योंकि ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें पूर्व आरपीएससी सदस्य जो है रामू राय का जो है उनके जो बेटा बेटी हैं उनका सिलेक्शन हुआ था और उनकी जो है रैंक एक तीसरी रैंक और एक जो 40वीं रैंक उनके बेटा और बेटी की बनी थी, जिसके बाद से कल जो हिरासत में लिया गया है एसओजी के द्वारा, उसके बाद से अब जो युवा शक्ति एकीकृत महासंघ है और तमाम जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो है आक्रोश है, इस जो भर्ती है उसकी गहनता से जांच हो। क्योंकि अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में आप ये देखिए 65 से ज्यादा जो है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि पहले भी मांग की जा रही थी और अभी एक बार कल जो हिरासत में लिया गया है 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को, उसके बाद से एक बार फिर से जो है इनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। और जो युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं मनोज मीणा, उनका कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, 5 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर हिरासत में, पूर्व आरपीएससी सदस्य के बेटा और बेटी के नाम सामने आने के बाद ये मामला गर्मा गया है और अब सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है।